कौन कौन माँ का ख्याल रखेगा? माँ का ही नहीं, हर स्त्री जात का अपनी पत्नी का भी पूरा ख्याल रखिए, अपनी माँ का भी पूरा ख्याल रखिए। कौन कौन रखेगा? अपने सास ससुर का भी पूरा ख्याल रखिए। माँ माँ होती है, ना तेरी होती है ना मेरी होती है, माँ तो सिर्फ माँ होती है। तो माँ की सेवा करने के लिए आप संकल्पित हैं, और पत्नी का साथ ना छोड़िए, पति का साथ ना छोड़िए, गृहस्थी को बहुत आनंद से निभाइए। गृहस्थी का भरोसा नहीं है, कब हम हैं कब हम ना रहें, कब आप हैं कब आप ना रहें, इसलिए जब तक आप और हम हैं प्रेम से रह लिया जाए, हर रिश्ते को प्रेम से निभाया जाए। गुलाब को ना ऐसे रखा जाता है तब ये सुंदर लगता है, यदि इस गुलाब को उठाकर मसल दिया जाए ना तो ये सारी सुंदरता समाप्त। तो रिश्तों को मसलो मत, रिश्ते गुलाब की तरह होते हैं, प्यार से लेने प्यार से पकड़ने के लिए होते हैं रिश्ते, प्यार से निभाने के लिए होते हैं रिश्ते, मसलने के लिए नहीं होते। मसल देंगे तो ये बेकार हो जाएगा। रिश्तों को समझिए, आज जो रिश्ते हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं, आज माँ है कल माँ रहेगी इसकी क्या गारंटी, आज पत्नी है आज पति है पता नहीं। कई बार तो आदमी खाकर सोता है, सवेरे जागता ही नहीं, खाकर सोया पर सवेरा जाग ही नहीं, जीवन में पता नहीं कल हो ना हो। इसलिए रिश्तों को समझिए और रिश्तों का सम्मान कीजिए। तो आप में से कितनी पत्नी अपने अपने पति का सम्मान करेंगी? कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भूलो, कोई छोड़ो कल की बातें, बोलने से लाभ नहीं है, चुप समझो। और आप कितने पुरुष लोग अपनी पत्नियों की गलतियां ध्यान नहीं देंगे, प्रेम से रहेंगे? आज से कितने लोग अपनी गृहस्थी में दो बातें पत्नी की आप सुन लो, दो बातें पत्नी आपकी सुन ले, क्योंकि सहोगे तो ही रहोगे, रिश्ते तभी रहेंगे जब सहा जाए, नहीं सहा जाएगा तो रिश्तों में तलाक जैसी दरार पड़ ही जाती है।